वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीना चौधरी के चैनल में आप लोग तहे दिल से स्वागत है। तो आज फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग निकल दिए हैं जीवी डीवी वाटर पार्क के लिए। चलिए मिलते हैं फिर वाटर पार्क में। नहीं जाने देंगे, हम लोग अभी पहुंच गए हैं जीवी डीवी वाटर पार्क। हजारीबाग से लगभग 12 या 13 किलोमीटर होगा और फोर लाइन के पास ही है। देखिए फोर लाइन और ये हुआ डेमोटार पार करने के बाद जीवी डीवी। यहाँ पे टिकट काउंटर है जो कि हस्बैंड भी चले गए हैं टिकट लेने। देखिए टिकट काउंटर वहाँ पे है और आज बहुत भीड़ है। हमको लगा नया है इसके कारण कि क्या इधर गाड़ी पार्किंग है, बाइक पार्किंग वगैरह भी है। सब कुछ दिखाती हूँ बाहर से। देखिए ये हुआ फोर लाइन आपका, ये हुआ जीवी डीवी वाटर पार्क जो कि एकदम सामने है रोड के, कहीं घुसना नहीं पड़ता। अब बाबू को भी लेके आए, पता नहीं इसको घुसने देता है कि नहीं। और भीड़ तो लग रहा है ठीक ठाक। इधर टिकट काउंटर, अभी तक उनको टिकट नहीं मिला हुआ है। तो अभी टिकट ले चुके हैं, देखिए टिकट जीवी डीवी का। और अब चलते हैं अंदर, गाड़ी पार्क कर रहे हैं वो। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप और टिकट है। अंदर जाके देखते हैं, म्यूजिक वगैरह तो बज रहा है। इधर लॉकर है और उधर भी लॉकर है और उधर जूता उत्ता रखने का है और इधर ड्रेस लेना है। इधर ड्रेस का क्या चार्ज है? 200 चार्ज है और सिक्योरिटी चार्ज है 150 रेंट, जो कि बहुत भीड़ है ड्रेस लेने वाला जगह में। तो हम लोग का लॉकर ये है, ले चुके हैं। बहुत छोटा छोटा लॉकर है, पता नहीं बैग घुसेगा कि नहीं। देखो घुसा के बैग घुसेगा नहीं घुसेगा, कैसे घुसेगा बैग? हम लोग कपड़ा चेंज कर लिया और इतना चिलचिलाता हुआ धूप है ना यार, क्या है पैर उह कर रहा है। चलते हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो कुछ उतना है नहीं और पैसा बहुत ज्यादा ले लिया, लेकिन बहुत ज्यादा पर ठीक ही है। हर जगह खोल लिया तो हजारीबाग वाला भी सोचा कि क्यों ना एक हजारीबाग में भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी आ गया। अंदर आए तो अच्छा ही लगा, पानी उनी देखी साफ था, फिटकरी उटकरी डाला हुआ था, ऐसे नहीं कैसे छोड़ दिया था, ये चीज़ अच्छा लगा। और बच्चों का भी था यहाँ पे खेलने का, बहुत बच्चों के लिए तभी बहुत अच्छा है क्योंकि जो नहीं बना है वो बड़े इंसान का ही है, जो मतलब बड़ा का भी है अभी, लेकिन जो बन रहा है वो भी बड़ा का ही है। तो अच्छा लगा, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। गर्मी का छुट्टी में यहाँ जा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बाबू भी बहुत इंजॉय कर रहा था, अच्छा लग रहा था। अभी उधर गाना बजने लगा तो हम वॉइस ओवर कर दे रहे हैं और
बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम सोचे नहीं थे कि मतलब हम संडे को तो गए नहीं थे क्योंकि संडे को ज़्यादा फी है, ज़्यादा चार्ज है यहाँ का। और ऐसे नॉर्मल दिन में जाइएगा तो 500 है, बाकी संडे सैटरडे 600 है। हम उस दिन नहीं गए थे, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। शायद गर्मी का छुट्टी है इसके कारण, ये बड़ा वाला है, बड़े लोग इसमें हैं। हम भी इसमें ट्राई किए, देखिए आगे ब्लॉक में आप लोग को दिखेगा, अच्छा लगा ट्राई करके। और ड्रेस देखिए मतलब साफ़ सुथरा भी तो था भाई, इस मैटर में हम कोई मतलब दो राय में नहीं है, एकदम साफ़ सफाई था यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह देखे पानी में छिड़काव किया हुआ था, क्योंकि इतने लोग हैं और नहीं छिड़काव करने से पानी पूरा गंदा हो जाता, बट ये चीज़ नहीं था। वेव स्टार्ट हो गया था जो कि समुद्र का लहरों का मज़ा दे रहा था यहाँ पे, ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पूरा म्यूजिक व्यूजिक का स्टार्ट था तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे लोग, हम भी इसमें थोड़ा सा इंजॉय किया। और छोटा बाबू मेरा इसमें बहुत अच्छा इंजॉय कर रहा था, क्योंकि उधर पानी आगे साइड एकदम थोड़ा सा जाता है लहर में, तो वहाँ पर उसको छोड़ दिए थे, मस्त खेल रहा था। तो सारे लोग देखे कितना इंजॉय कर रहे, आप लोग देख देख के बता ही सकते हैं कि इतना इन्जॉयमेंट वाला जगह है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सबसे बड़ा वाला में पतिदेव चले चले गए हैं, वहाँ से हाई कर रहे हैं, हम नीचे से उनका ब्लॉगिंग कर दे रहे थे। हमको भी बोल रहे थे, बोले पहले आप जाइए, आपको देखेंगे उसके बाद हम जाएंगे, हम फर्स्ट में नहीं जाएंगे। तो दुर्गेश और
पतिदेव गए, उसमें अच्छा लग रहा था देखे, उसमें काफ़ी भीड़ था, तो अच्छा लगता होगा तभी तो कोई इतना मतलब चाव से जा रहा है उसमें। तो देखिए लोग कैसे आ रहे नहीं आ रहे, सो आप लोग देखिए ब्लॉग के द्वारा, और आप लोग भी जाइए एंजॉय करिए। इधर बाबू मस्ती कर रहा था पानी, उसको पानी में ही जाना है, तो पानी में ऐसे पैर में बैठा के छोड़े थे हम, मेरा पैर सही खेल रहा था। अब बारी है मेरा, हम जा रहे हैं हस्बैंड जी के साथ, बहुत फोर्स किया चलो 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 तो चले गए, बट कोई नहीं, थोड़ा सा डर लगा फर्स्ट में और काफ़ी अच्छा लगा हमको, तो मज़ा आया। देखिए हम चले गए हैं पानी में मस्ती किए थे लेकिन बहुत ज़्यादा, या चपाक मज़ा आ गया था। ऊपर से दुर्गे से इसमें वीडियो किया था, आप लोग बारीकी से देख लीजिए कैसा कैसे जाता है नहीं जाता है, अच्छा है सब कुछ, अच्छा लगा हमको। देखिए हमको धक्का दे दिया इन लोग जाके इधर से ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है, इधर से फोर लाइन भी दिख जाता है ऊपर से, काफ़ी अच्छा व्यू है सामने, एकदम हरा हरा सा लगता है। अब उसी में ये नेक्स्ट स्लाइडर दिया हुआ है जिसमें कि दुर्गेश और पतिदेव जी गए थे, बहुत अच्छा से देखे दुर्गेश आया एकदम मस्त, पानी तो इसका नाक उतनी घुसा ही नहीं, हमको डर लग रहा था पर तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से आ गया था।
धोआ के निकल गया, मतलब पानी से खेल के आने के बाद यहाँ पे शावर है लेने का, सारा सुविधा किया हुआ है। चेंज करने का कैसे देंगे? वो बोली थी तो चलते हैं, अब तैयार भी हो गए फिर से। अब बाबू भी इंजॉय किया था खूब, आप लोग ब्लॉग देखिएगा, पर ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है कि आप जितना देर रह सके उतना देर रह सकते हैं, इतना टाइमिंग उमिंग इसमें नहीं है। और भीड़ भाड़ भी ठीक ही था क्योंकि हजारीबाग में एक भी वाटर पार्क नहीं है, पहला वाटर पार्क है और अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, वो तो आप लोग देख लिए। और जो भी अच्छा है भीड़ था, पहला पहला मतलब शुरुआत है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं खुले हुए, एक आध महीना हुआ ज़्यादा भीड़ है। चलते हैं, अब शाम हो गया, 5 बज गया, हम लोग आए थे कितने बजे, 12:30 एक बजे आए थे। अब हो गया हम लोग का घूमना खत्म। यहाँ पे पार्किंग भी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे भी ठीक जगह में है। जीबी डीबी जब बन जाएगा तब के लिए 500 टिकट सही है, अभी कंप्लीट नहीं है। बाय बाय जीबी डीबी, तो आप लोग भी आइए एंजॉय करिए जीबी डीबी पार्क। आई होप आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।